बजे। थैंक यू। बिल्कुल, उसने बहुत अच्छा खेला और हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी टाइम 6 वीक्स का था, जैसा कि OTT उसमें 4 वीक्स वो रही, तो ये काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। अपने आप को सिंगल लेके चली, क्योंकि हर जगह ग्रुपिंग हो जाती थी, उसको साइड में कर देते थे, बट उसने अपना स्टैंड लिया और फाइट किया। 4 वीक्स तक उसने वहाँ पर रही और एक अच्छा नाम करके, भोजपुरी का नाम करके, अपना खुद का नाम करके वापस आई है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है उसको। आपने देखा उनका शो OTT में जो प्रतीक ने उनके साथ गलत किया, उनके भरोसा रखा और काफ़ी इमोशनल भी ब्रेकडाउन हुई OTT पर। एक्चुअली उसकी ये प्रॉब्लम है, एज एन फ्रेंड अगर मैं बोलूँ, भरोसा बहुत जल्दी कर लेती है। वहाँ पर भी उससे वही गलती हुई, उसने ट्रस्ट कर लिया, शायद वो थोड़ा गेम को समझ नहीं पाई थी और वापस वो वहाँ पे जाके हर्ट हुई। बट प्रतीक वेरी स्मार्ट प्लेयर, वो तो गेम के हिसाब से ही चल रहा था, उसको अपना बेस्ट करना रहता है, तो उसको कब फ्लिप करना है कुछ पता नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं था। देखिए, नीचा दिखाने की कोशिश की लेकिन दिखा नहीं पाए, पहली चीज़ तो ये। और सिर्फ इंग्लिश बोलना ही आपका क्लास और स्टेटस मेंटेन करता है, ऐसा कहीं लिखा हो तो वो भी बता दीजिए। उसके बावजूद भी आप, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, शायद लोगों को बुरा लगे, सब लोग उस घर में इक्वल थे, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई इंग्लिश और कोई बहुत अमीर घर से या गरीब घर से, ऐसा उस घर में सब सेम थे। उसके बावजूद भी मेरा एक सवाल ये है, इतना सब कुछ जानने और अच्छी इंग्लिश बोलने के बावजूद भी आप भी तो वहीं खड़े हैं जहाँ पे अक्षरा सिंह खड़ी थी। नहीं, मैं मतलब अगर आप वो, दैट इज़ रियलिटी शो, 24/7 लाइव चल रहा था और यहाँ की बात अलग है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, हमें, हम जिसमें, हमारे पास जो गुण है हमें उसमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। भाई मुझे मेरी एक्टिंग आती है, मुझे मेरी लाइंस परफेक्ट आनी चाहिए, मुझे मेरी टोन जो है डायलॉग डिलीवरी की वो परफेक्ट आनी चाहिए। बाकी चीज़ें अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ या नहीं परफेक्ट कर रही हूँ तो डायरेक्टर है वो कॉल लेने के लिए, रेस्ट किसी को कोई, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है, मैंने हक दिया कि कोई कुछ बोले, अगर मैं नहीं सही हूँ तो वो करेंगे। और मुझे ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे लोग हैं और सब सपोर्ट करते हैं, और ऐसा किसी ने ऐसा नहीं कहा कि यार शी इज़ फ्रॉम भोजपुरी या ये नहीं। गावा की बात करें, अक्षरा गावा की दूसरी बहुत अच्छी हुई है, मतलब वो दोनों एक ही साथ बाहर निकले, मतलब वो नॉमिनी अक्षरा चाहती तो वो सेफ हो सकती थी, लेकिन अक्षरा ने नहीं किया, मतलब अक्षरा ने एक ह्यूमन बींग दिखाया, एज एन ह्यूमन बींग, यस। मतलब मैंने पहले ही आपको बोला कि वो बहुत इमोशनल है और उसने, लड़कियों में होता है सेक्रीफाइस करना, लाइक, और हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं चीज़ें, तो हम लोग थोड़ा सा इमोशनल रहते हैं, यार मेरी, मैं चली जाऊंगी चलेगा, बट ये यहाँ रहना चाहिए, मैं भी होती या कोई कोई बात, जैसे भी एक ही चेयर है तो मैं चाहूँगी नहीं भाई तू बैठ जा, मैं खड़ा रहूँगी, कोई नहीं, सो के चलता है, मेरा भी मेरा वो नेचर है। तो ठीक वैसा ही अक्षरा ने भी किया कि इट्स ओके, तू सेफ रहे। उसने अपना पेपर दो बार, एक बार नहीं दोनों बार उसने लेटर फाड़ा, तो दिखाता है कि वो कितनी ब्रेव है। उसके लिए उस वक्त जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो उसका लेवल और अप हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ या आगे चल के ऐसी कुछ बात होती है हमारी, तो उसका लेवल ही अलग हो जाएगा फिर। यस, जो टीन एक्टर
से सीमित नहीं रह पाए अभी, अच्छी बात है बिल्कुल। खाली टीवी एक्टर थे उनके साथ ही करना, अब नए लोग नए एक अच्छी बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात हुई है। और आप देखिए कि हमेशा पॉइंट आउट किया जाता था भोजपुरी को ये वो, आज की डेट में आप लास्ट वीक की रेटिंग्स उठा के देख लीजिए, ट्रेंडिंग में टॉप 1 से लेके 10 तक सारे भोजपुरी स्टार्स ही हैं। मैं यूट्यूब की बात करूँ, जितने भी जिनके गाने रिलीज़ हुए हैं सब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सारे भोजपुरी ही हैं। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब टेक्निकली भी हम लोग स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और गाने भी अच्छे बन रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, पब्लिक पसंद करती है तभी चीज़ें ट्रेंडिंग में जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और नए लोगों को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। लाइक सिंगर्स की बात करूँ अगर मैं भोजपुरी में, तो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छे अच्छे गाने भी लेके आ रहे हैं। आप देखिए मेरे फ्रेंड हैं रितेश पांडे जी, उन्होंने अभी रिमिक्स किया है खई के पान बनारस वाला, वो भी टॉप लाइक ट्रेंडिंग 15 में 10 में चल रहा है, अभी कल रिलीज़ हुआ है शायद उनका गाना। तो इन सब लोगों के को मेरी तरफ़ से बेस्ट विशेज हैं, आप लोग खूब अच्छा अच्छा ऐसे ही गाइए और आगे बढ़िए और हमारी इंडस्ट्री का नाम और रोशन करिए। थैंक यू।